Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Parrot Universe. So guys, आज की इस वीडियो में हम अपने बचीज का केज साफ करेंगे. जी हाँ, आप देख सकते हो कि बचीज का ट्रे कितना गंदा हो गया है. हमें ट्रे को साफ करना है और बचीज तो हमारे एकदम क्लीन क्लीन साफ साफ हैं दोनों. तो अभी हमें इनकी सीड को चेंज करना है, वाटर चेंज करना है और ट्रे को साफ करना है. तो ये है बचीज का ट्रे, देखें ये कितना गंदा है. ज़्यादा गंदा नहीं है बट फिर भी गंदा हो गया. सीड इन्होंने जितनी खाई है सारी इसमें गिरा दी है. तो अभी हम इसको साफ करेंगे. ट्रे को मैं साफ करने ले जा रही थी तब तक मैंने देखा कि हमारा जो दूरू है वो घर से बाहर आ गया है और डायरेक्ट पहुंच गया हमारे रिनिक पैरेट के पास. फिलहाल हम रूरू को छोड़ते हैं और अपने ट्रे को साफ करते हैं. इस ट्रे को हम यहाँ पे ऐसे हल्का सा साफ करेंगे. ताकि जो सीड्स के छिलके हैं वो इसमें गिर जाएं और ये जो सीड्स मतलब जो हमारा ट्रे है. अब इस ट्रे में हम वाटर भर के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 या 10 मिनट के लिए. हमको अभी ट्रे में जो है वो वाटर डालना है. इसमें बस हम ट्रे में वाटर थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट के लिए पानी डाल के छोड़ देंगे. अगर आपका मन हो तो वजी इसके ट्रे में डिटर्जेंट वगैरह डालें, अगर ना हो तो डायरेक्ट पानी डाल के थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें इसको. हमारा ट्रे देखिए टेढ़ा हो गया है. इधर तो पानी आ गया इतना सार बट इधर है ही नहीं. तो हम इसको पूरा फिल कर देते हैं. तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे और अभी हम देखते हैं हमारे रूरू कहाँ पहुँच गए. देखें रूरू हमारा यहाँ आ गया है. रूरू बहुत शरारती हो गया. रूरू ऐसे ही हमेशा शरारती करता रहता है. करो शरारती रूरू, कोई कुछ नहीं कह रहा आपको. अभी हमने ट्रे वहीं छोड़ा हुआ है और ये देखें हमारा जो मैंगो ट्री है छोटा सा वो हल्का सा बढ़ना शुरू हो गया है. देखें इसकी न्यू लीफ भी आई है. जल्दी से बड़े हो जाओ, जल्दी से बड़े हो जाओ. बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हो. अब इसको बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा. हमने यहाँ पर छोटा सा मनी प्लांट लगाया हुआ था और ये भी अब बड़ा हो गया फाइनली. और अब ये पेड़ पे जा रहा है, पेड़ के ऊपर. इसको राउंड राउंड करती हूँ मैं. कहाँ गया ये रहा मनी प्लांट हमारा. ये इसको सर्कल में ले लिया है मैंने. इसको उसके ऊपर चढ़ा देते ना ज़्यादा अच्छा लगता है पूरा यहाँ तक. खैर कोई बात नहीं, हमने इसमें भी मनी प्लांट लगाया था बट ये मनी प्लांट जो हमारा सूख गया है. इसको हमने निकाल के इसकी जगह दूसरा लगाना है, फिर हम इसको चढ़ाएंगे. हमारा ट्री जो है अभी ऐसे ही है. अब इसको हमें ऐसे छोड़ते हैं और अपने बचीज को देखते हैं क्या कर रहे हैं. हमारे बचीज क्या कर रहे हो. हमने इनका वाटर भी चेंज करना है. गंदा हो गया इनका पानी, उसको चेंज करना है. वैसे ये वाला जो केज होता है ना इसमें बड़ा आराम रहता है कि बाहर से ही पानी निकाल के डाल दो, सीड डाल दो. मतलब बहुत इजी होता है ये केज. ये हमारी सीड्स. नहीं, सारे सीड खा गए हैं बचीज हमारे. इसके अंदर कुछ नहीं है. अभी हमने इसमें सीड डाल दिए तो हम सीड को इसमें डाल देंगे केज में ताकि हमारे जो बचीज हैं अगर इनको भूख लगी है तो ये खा लें. तो अभी हम इनको ऐसे छोड़ते हैं और हम इसमें पानी डालते हैं. बस
अब इतना सा पानी हम अपने बचीज के कीच में डाल देते हैं। वैसे बजीज जो होते हैं ना वो बोलते रहते हैं हर टाइम। देखिए अभी फाइट कर रहे हैं सब। क्यों फाइट कर रहे हो? क्यों फाइट कर रहे हो? देखिए मुझे देखकर एकदम शांत हो गया। क्या हो गया? देखिए कितने प्यारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जो ब्लू बजीज आती हैं वो भी बड़ी प्यारी होती हैं। मैं सोचा था कि मैं ब्लू और येलो का पेड़ लूँगी, बट ब्लू और येलो हमें बजीज नहीं मिले और ये बड़े क्यूट लग रहे थे मुझको, तो इसलिए हमने ये लिया था बजीज। और वैसे हमारे बजीज का नाम आप लोग को नहीं पता होगा, हमारी जो वाइट वाली बजीज है बजी है इसका नाम लैला है, और ये जो हमारा ग्रीन वाला है इसका नाम मजनू है। लैला और मजनू। हमारी लैला जो है मजनू को हमेशा परेशान करती है, बट मजनू शुरुआत करता है लैला से मार खाने के लिए। कभी लैला को बाइट करेगा, कभी लैला को परेशान, हमेशा परेशान करके रख देता है मजनू। और वहाँ हमारे पैरेट की जो है फाइट हो रही है। हमारे जो बजीज का केज है वो फाइनली साफ हो गया, और अब हम इसमें ट्रे लगा देते हैं केज में। और देखें आप कितना क्लीन हो गया, पहले कैसा था और अब देखें एकदम क्लीन क्लीन हो गया हमारा ट्रे। हमारे लैला मजनू अब इंजॉय कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या हो गया? सो गाइज आज का व्लॉग हमारा बस यहीं तक था। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।